नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो केल्विन नाम से एक इंसान की है। वो हमसे ये कहते हैं कि तब उनकी उम्र 48 इयर्स थी और तब उनको हार्ट अटैक आया था। एकदम बड़ा तो नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं एकदम मेरी छाती में दर्द होने लगा और वो सोफे पर बैठे थे तो वहीं पर उनको अचानक वो बेहोश हो गए और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरा जो शरीर था अपनी जो उनकी जो आत्मा थी उनके शरीर से धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। और केल्विन ये कहते हैं कि बाद में वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। उस दुनिया का उन्होंने वर्णन इस तरीके से किया है कि एक सुंदर जैसे वन हो, सुंदर ऐसा, और वहाँ पर एक छोटी सी एक ऐसी झील हो, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, लेकिन वो बहुत ही सुंदर हो। तो इस तरीके से एक झील उनके सामने आई और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर वनस्पतियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर मतलब फूल पौधे थे। और वो जो दृश्य था मतलब देख के ही बन जाए, इतना सुंदर वो लग रहा था। और केल्विन हमसे ये कहते हैं कि मैं वहाँ पर सचमुच बहुत खुश था। केल्विन को भी ऐसा तैरना बिरना बहुत अच्छा लगता था। ये झील तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन वो फिर भी वहाँ पर ऐसा तैरना उन्होंने शुरू कर दिया। और वहाँ का जो पानी था वो इतना सुंदर था कि मैं मतलब वो कहते कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। और वो पानी ऐसा हम पिए, ज़्यादातर ऐसे हम कहीं पर तैर रहे हो तो वहाँ का पानी पीते नहीं, लेकिन वहाँ पर का पानी भी वो पी रहे थे। मतलब वो कह रहे थे कि मेरे जाने से भी वैसा वो पानी गंदा नहीं हो रहा था। और वो कहते कि मैं शरीर रूप में वहाँ पर नहीं था, कहीं ना कहीं आत्मा के रूप में था, लेकिन फिर भी मैं अपने पानी में उनको तैरने में ऐसा अलग अलग कुछ स्टाइल में लोग तैरते हैं तो वैसे वो अपने सारे कर्तव्य वहाँ पर फिर भी दिखा सकते थे और बहुत ही अच्छा वो लग रहा था वहाँ पर। और केल्विन ये कहते हैं कि कुछ एक दो मिनट हुए होंगे कि वहाँ पर से उन्होंने किसी की मतलब किसी का उनको अंदेशा हुआ कि कोई आ रहा है। और जब उन्होंने देखा तो वहाँ से एक बहुत ही बड़ी आत्मा आई। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो कहते हैं कि वो आत्मा ऐसी थी जैसे एक सुंदर झरना है, सुंदर वनस्पतियाँ है, सुंदर वातावरण है, ऐसे सुंदर खुशनुमा एहसास में कोई एक दिख जाए हमें, एक सुंदर सा मतलब उस सारे वातावरण को ऐसा मैच होने वाला एक सुंदर ऐसी वो आत्मा थी। और वो केल्विन के पास आई और उसके चेहरे पर इतने सुंदर भाव थे कि वो कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो तब बाद में झील से ऊपर आ गए थोड़े। और उस पवित्र आत्मा ने केल्विन से ये कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम अपने जीवन में अच्छी तरीके से तुम अपना जीवन जो है वो नहीं जी रहे। तुम कहीं ना कहीं अपने ही बारे में सोच रहे हो और तुमने अपने शरीर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है। तो ये जब केल्विन ने सुना उनसे तब केल्विन को अपने जीवन के बारे में सारी चीज़ें एक एक मतलब पता चली। कि केल्विन हमसे ये कहते हैं कि इस 48 सालों की वो ज़िंदगी जो जिए थे इसमें उन्होंने, वो कहते हैं कि तकरीबन 17-18 साल के ही उम्र में ही उनको शराब की लत लगी थी और तब से वो शराब पीते थे, बाद में सिगरेट भी पीते थे, ड्रग्स का भी उनको कुछ समय के लिए व्यसन वगैरह लगा था लेकिन बाद में वो तो उनके छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन शराब की उनको बहुत ही ज़्यादा लत लगी थी। और इस वजह से वो कहीं ना कहीं उनको मतलब बीमारियाँ भी तब से ही चालू हो गई और फिर भी उन्होंने अब तक शराब नहीं छोड़ी थी, या फिर उन्होंने कहते हैं कि मैंने कोशिश भी नहीं करी थी, लेकिन आज इस पवित्र आत्मा ने जब उनको कहा तब उनको लगा कि नहीं, मैं इसको ज़रूर सीरियसली लेना चाहूँगा। और बाद में उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि तुमने ये सारी चीज़ें करने के लिए अपने शरीर को नहीं चुना था, तुमने जिन कारणों के वजह से शरीर चुना था उसमें कि आधे भी चीज़ें अपने मतलब अब तक तुमने पूरी नहीं की है, ये तुम्हारी आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है, तुम इस तरीके से मत जियो केल्विन। तो ये बात जब सुनी केल्विन ने तब उनको मतलब लगा कि नहीं, मुझसे मतलब कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है। और केल्विन ये कहते कि जब वो आत्मा उनको ये जब सारी कहानियाँ बता रही थी तब उनका ऐसा ज़रा भी नहीं था, जैसे शिक्षक कभी कभी बच्चों को एकदम डांट कर समझाते हैं तो इस तरीके से वो ज़रा भी नहीं था। कुछ शिक्षक अच्छे से भी समझाते हैं तो वह ऐसे थे जैसे मतलब प्यार से, कोई शिक्षक ऐसे भी होते हैं ना जैसे बचपन के एकदम छोटे बच्चों के जो शिक्षक होते हैं जूनियर के जीके वगैरह, एकदम प्यार से समझाएंगे, वो 100 बार गलती करे फिर भी प्यार से समझाएंगे, इतना पेशेंस उनमें होता है। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ही अच्छे से एक स्मित हास्य करके समझा रहे थे। और बाद में केल्विन को उन्होंने यही कहा कि तुम जितना सोचा है तुम्हारी आत्मा ने करना उससे भी दुगना मतलब तुम अच्छा कर सकते हो, बस तुम्हें मन की तैयारी करनी होगी और जीवन में कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति तुम्हारी वैसी होनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ज़रूर कर सकोगे। ये बात सुनकर केल्विन को कहीं ना कहीं अंदर से एक एनर्जी आई कि हाँ, एक मतलब एक बाहरी आत्मा जिसको मैं नहीं जानता, शायद ये मेरे करीबी भी हो सकती है लेकिन फ़िलहाल तो वो मेरे लिए एकदम अनजान है, ऐसी एक आत्मा मुझ पर भरोसा करती है तो मैं क्यों अपने आप पर भरोसा नहीं करूँगा। और केल्विन ये भी कहते हैं कि मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी वो कहते थे कि मैं शराब को कभी भी नहीं छोड़ सकता,
मुझे, मैं इसका ही कुछ ना कुछ एक अविभाज्य ऐसा घटक बन गया हूँ ऐसा। लेकिन आज केल्विन ये कहते हैं बाद में कि बाद में उस आत्मा ने उनको ये कहा कि मैं फिर से तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम अगर ऐसे ही मतलब नहीं सुधरे तो तुम्हें मतलब फिर से पृथ्वी से मतलब जल्दी यहाँ पर आना होगा और फिर से पृथ्वी पर जाना होगा उसी काम को पूरा करने के लिए जो फ़िलहाल तुम्हारी आत्मा पूरा नहीं कर सकी। लेकिन अच्छा होगा कि तुम अपने जीवन में इसी जीवन में आके बढ़ने की अगर कोशिश करोगे अच्छे विचार को लेकर। तो इस तरीके से केल्विन ये कहते कि उसके बाद उन्होंने माना इन सारी चीज़ों को और उस पवित्र आत्मा ने उनको कहीं ना कहीं आशीर्वाद जैसे मतलब दो जो हाथ है अपने वो इनके सिर पर रखे उनके आत्मा के और उनको कहा कि तुम अब पृथ्वी पर जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब उसने उनके सिर पर हाथ रखे केल्विन ये कहते कि एकदम मुझे रोना आया, जैसे एक बहुत बड़ा, सोचिए हम किसी भगवान की प्रार्थना करें या फिर उसकी पूजा करें, वही हमारे सामने ऐसा खड़ा हो और हमें कहे कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बनाए रहे, और आखिर में ऐसा हमारे सिर पर हाथ रखना छोड़ो, हमसे सिर्फ स्मिता हास्य करेगा ना दोस्तों, तो ही हमारी मतलब आंसू निकल आएंगे। तो इस तरीके से केल्विन ने ये यही कहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगले ही पल वो उन्होंने देखा तो वो फिर से पृथ्वी पर थे, और पृथ्वी पर जब आए तब उन्होंने ये देखा कि उनके जो कुटुंब था, उनका जो परिवार था, उन्होंने उनको अस्पताल में एडमिट किया था क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था, और वो बाद में मतलब ठीक हो गए। उनके परिवार वाले भी खुश हो गए कि इनको होश आया, और बाद में वो दोस्तों मतलब इन्होंने कहानी भी सारी कही उनके परिवार वालों को। वो थोड़े से आस्तिक लोग थे दोस्तों, मतलब वो चर्च वगैरह भी जाते थे, तो उन्होंने भी कहा कि ईश्वर तुमसे ये चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में अब शराब को छोड़ दो और अच्छे काम पे लग जाओ। और केल्विन ने यही कहा कि हाँ, मैं ज़रूर अपने जीवन में अब अच्छे काम ही करूँगा। और केल्विन ये कहते कि बाद में उन्होंने कभी भी शराब को हाथ भी नहीं लगाया और सबसे वो मतलब प्यार से बातें करने लगे। बाद में उनके एज के मतलब कुछ उनके दोस्त थे तो उन्होंने मिलकर कुछ अपना फंड भी चालू किया, और वो आज ज़रूरतमंद बच्चों को या फिर कैंसर अस्पताल को वगैरह थोड़ा थोड़ा कुछ डोनेशन देने की कोशिश करते हैं। और केल्विन ये कहते हैं कि अपने ज़िंदगी में मैं जितना कभी भी खुश नहीं रहा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने जीवन में मतलब गलत राह से ही मैं सिर्फ अच्छी राह पर नहीं चला, बल्कि मैं अच्छा कुछ करने की आज कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने भी आज साथ दिया है। तो केल्विन ये कहते हैं कि उस आत्मा को हमेशा मैं नमन करता हूँ। कि केल्विन ये कहते हैं कि मैंने एक उनका ड्राइंग भी अपने हिसाब से निकाला है, एक अपने पेंसिल से उन्होंने वो दिखाया नहीं, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। लेकिन वो कहते हैं कि मैं हमेशा उस ड्राइंग को देखता हूँ, और जब देखता हूँ तब ऐसे लगता है कि नहीं, ईश्वर कहीं ना कहीं मेरे साथ है। और ये आज की जो कहानी है केल्विन की, वो हमें यही कहती है कि कहीं ना कहीं मतलब ईश्वर का बंदा या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर या फिर हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा है या फिर पवित्र जो आत्मा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ है। वो हमारे अंदर की मतलब जो ऐसी एक परिस्थिति होती है ना कि जैसे तू आगे बढ़ सकते हो, तुम ज़रूर जीवन में कुछ कर सकते हो, ऐसे इंसान को हमेशा वो ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा वो जब करते हैं तब उनके संकेत को समझकर हमें जीवन में कुछ अच्छा हमेशा करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। और जैसे केल्विन को कहा कि तुम इसी तरीके से तुम अगर नहीं सुधरोगे, अपनी जो भी गलतियाँ हैं उसको वैसे ही दोहराते रहोगे, तो तुम मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे। इससे अच्छा ये है कि तुम अपनी गलतियों को मानो, उससे कुछ सीखो और उससे परे चले जाओ, मतलब उससे दूर चले जाओ, और तुम कुछ अच्छा जीवन में करने की कोशिश करो जिससे तुम्हारी आत्मा का विकास होगा। तो इस तरीके से हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। और सचमुच आप प्लीज़ मत चिंता करना, हमारी सोल ने हमारे लिए जो भी मतलब सिलेक्ट किया है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप होती जाएंगी। और जिन्होंने किसी अपने को खोया, मैं आपको सच कहता हूँ कि आप प्लीज़ मत चिंता करना, उनके साथ आपका मुलाकात भी और उनके साथ मतलब बहुत सारे जन्म भी ज़रूर ले सकेंगे, और आपके मन में जो भी ढेरों सवाल होंगे उसका भी जवाब एक दिन आपको पूरी तरीके से और सच्चा उसका जवाब मिलेगा। लेकिन आप फिलहाल अपने आप को संभालें दोस्तों, और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।